नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर पूर्णिया के एसपी के ऊपर पटना और पूर्णिया में उनके आवास दफ्तर पर की गई छापेमारी के बाद पूरा काला चिट्ठा खुल गया है कि उनके पास कितनी कितनी संपत्ति है। जो जानकारी दी गई है, जो तो एसयूवी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो एक साथ संयुक्त कार्रवाई की है दिन भर की छापेमारी के बाद, कौन कौन सी संपत्ति मिली है, कौन कौन से आरोप लगाए हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन एफआईआर में ये कहा गया है कि जो एसपी साहब हैं अपनी पोस्टिंग के वक्त से ही भ्रष्ट हैं। ये कहा गया है कि उनकी पत्नी साहिबा तो हाउसवाइफ हैं, उनके नाम पर इतने लाखों की संपत्ति कैसे आ गई। 70 लाख का फ्लैट में सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग कराया गया है। एक बिल्डर साहब के की जो कंपनी है उसमें निवेश हो रहा था। इन तमाम जगहों पर छापेमारी हुई है तो जो है खुलासा हुआ है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से छापेमारी के बाद जो है पूर्णिया के जो एसपी हैं दयाशंकर के पटना और पूर्णिया के ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस दौरान एसयूवी ने पूर्णिया के सदर थानेदार संजय कुमार सिंह, एसपी करीडर नीरज कुमार सिंह और कांस्टेबल सावन कुमार के साथ साथ पटना के बिल्डर संजीव कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी की। ये सभी लोग जो है एक साथ साठ गांठ के साथ जो है लूट रहे थे। इस दौरान एसयूवी को पूर्णिया एसपी दयाशंकर के पूर्णिया स्थित आवास से 2,96,000 रुपये नकद, 28 लाख के सोने के गहने जब्त हुए हैं। साथ ही एसपी के पटना स्थित फ्लैट से 1,52,000 कैश, करीब 35 लाख के गहने, इनोवा और लेटेस्ट कंपास की जीप और पटना में कई फ्लैट के कागजात मिले हैं जिसकी कीमत करीब करीब 67 लाख रुपए है। साथ ही साथ दानापुर के डी ब्लॉक में जो विषम एम्पायर के फ्लैट नंबर 201 और 203 में जो है बिस्कुट फैक्ट्री और विषम इंस्पायर के सी ब्लॉक CS1 बिस्कुट फैक्ट्री की दुकान पाई गई है। साथ ही पूर्णिया के सदर थाना के थानेदार संजय कुमार सिंह के आवास से 9,70,000 रुपए कैश, करीब 9 लाख के गहने और मारुति सुजुकी की गाड़ी भी मिली है। इसके साथ साथ एसपी क्रेडिटर नीरज कुमार के ठिकाने से 4 बैंक पासबुक और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं जिसकी जांच हो रही है। कांस्टेबल साहब जो सावन कुमार हैं वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वहाँ से मामले संबंधित कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला है। वहीं पटना के जयपाल नगर स्थित बिल्डर संजीव कुमार के आवास से 3 कंप्यूटर हार्ड डिस्क, CCTV कैमरे के DVR, फ्लैट की डीड, 2 सोने के चैन, 2 हीरे के चैन जब्त किए गए हैं। इस मामले में SUB और आयकर विभाग दोनों जाँच कर रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक दयाशंकर जो हैं बिहार कैडर के 2014 बैच के IPS अधिकारी, उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए बड़ी संपत्ति अर्जित की है और उन्होंने SDPO जगदीशपुर जो कि भोजपुर जिले में पड़ता है, SP शेखपुरा और SP पूर्णिया के पद पर रहते हुए भ्रष्ट और अवैध तरीकों से अवैध रूप से बड़ी संपत्ति अर्जित की है और इसको लेकर के FIR में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन पर आय से 71,14,666 रुपये का जो अधिक है वो जब्त हुआ, जिसको लेकर के SUB ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। आरोपी SP ने अपने और अपनी पत्नी और बिल्डर संजीव कुमार और अन्य के नाम से जमीन और कई फ्लैट में इन्वेस्ट किया था जिस पर करीब 90 लाख रुपए खर्च किया गया। उनकी ये संपत्ति दानापुर के विंसम एम्पायर लोकेशन में है। तो पूर्णिया के SP दयाशंकर के बारे में जो जानकारी दी गई उसमें वो लिखा गया है कि इनके पास जो है जो केस दर्ज हुआ है वो SUB यानी कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने केस दर्ज किया है 13/22। इसमें जो है अलग अलग धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। बड़ी बात यह है कि उनके पास जो है कई अचल संपत्तियां जो हैं वो बरामद हुई हैं, जो उनकी पत्नी संजीव कुमार जो कि बिल्डर हैं इनके नाम से हैं और पटना में करीब 90 लाख के आसपास का जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। बड़ी बात यह है कि इनकी पत्नी के अकाउंट में करीब 18.5 लाख रुपए जो हैं वो जमा थे और पत्नी जो है हाउस वाइफ हैं, ऐसे में इनके इनकम का सोर्स ज्ञात नहीं है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स और जो लीगल सोर्सेस हैं उसके साथ जो जांच हुई है उसमें अनियमितता पाई गई है। इन तमाम चीज़ों की जांच हो रही है। जो जो चीज़ें जब्त की गई हैं उसकी अगर बात करें तो कैश जो है वो पूर्णिया के आवास से 2,96,000 और ज्वेलरी 28 लाख के आसपास की जब्त की गई है। पटना के फ्लैट नंबर 201, 203 और शॉप C501 जो हैं वो मिले हैं इनके पास से।
कैश पटना के आवास से 1,52,000 किया गया है, गहने करीब 35 लाख के हैं, 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो इंटीरियर डिजाइनिंग पे जो खर्चा, यानी कि साहब के जो घर को बनाने में खर्चा था, वो करीब करीब 67 लाख रुपए का है। तो पटना और पूर्णिया में हुई छापेमारी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्णिया के एसपी साहब जो हैं, जब से एसडीपीओ बने, फिर अक्षयपुरा के एसपी बने और मौजूदा वक्त में पूर्णिया के एसपी हैं, इन तीनों पदों पर रहते हुए उन्होंने खूब लूटा है। जाहिर तौर पर अब ये अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है। इस मामले के खुलासे के बाद जो है हड़कंप मच गया है। एक लंबे अरसे के बाद बिहार के किसी आईपीएस अधिकारी के ऊपर इस तरह की बड़ी कार्रवाई जो है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के साथ की गई है। आरोप ये है कि पद का दुरुपयोग किया, पत्नी के नाम से जो कि कुछ नहीं करती हैं, हाउसवाइफ है, उनके नाम पर लाखों की संपत्ति और अर्निंग दिखाई गई है। तो पटना के बिल्डर जो हैं उनके साथ मिलकर के जो है कई संपत्तियों में निवेश का भी खुलासा हुआ है। अभी भी जांच चल रही है और जांच जब पूरी होगी तो और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। रीडर थानेदार के साथ साथ वहां पर एक जो सिपाही है, उन सभी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई और वहां से भी कई महत्वपूर्ण जो है सुराग वो हाथ लगे हैं और भारी मात्रा में कैश समेत दूसरे निवेश के जो चीज़ें हैं वो जब्त हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।